डॉक्टर जुल्का, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। मेरा एक सवाल है सर, जो दर्शक ये देख रहे हैं प्रोग्राम, वो ये समझना चाहते हैं कि कैंसर के जो स्टेजेस होते हैं वो कितने स्टेज होते हैं और कहाँ आके लगता है कि अब ये गंभीर हो चुका है। देखिए, इसके चार स्टेज होते हैं। जैसे मैं आपको स्तन कैंसर के बारे में बता रहा था, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर। गंभीर ये स्टेज फोर में हो जाता है, एडवांस स्टेज में। स्टेज थ्री और स्टेज फोर में गंभीर हो जाता है। तो गंभीर का मतलब एक मिनट, सॉरी, गंभीर का मतलब कि ये बाकी जगह फैल जाता है, स्तन से बाकी जगह, जैसे हड्डियों में फैल गया या लंग्स में फैल गया या लिवर में फैल गया। तो जहाँ जब फैल जाता है तो इलाज इसका संभव तो है, लेकिन फिर भी इसमें खतरा ज़्यादा हो जाता है एडवांस स्टेजेस में। अर्ली स्टेजेस में ये क्योर हो जाता है बिल्कुल। उसमें हम सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, इम्यूनो, आजकल सारी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि इसको क्योर कर सकती हैं। सर, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में क्या फ़र्क होता है? देखिए, रेडियोथेरेपी होती है लोकलाइज, कि जो रेडिएशन देते हैं वो उसी जगह देते हैं जहाँ कैंसर होता है। जैसे स्तन में कैंसर है तो पूरे स्तन में ही रेडियोथेरेपी देते हैं और बाकी जगह नहीं देते, वो वहीं क्योर कर देती है। लेकिन कीमोथेरेपी जो है वो सारे शरीर में जाती है, क्योंकि वो वेन के थ्रू जाती है, इंट्रावीनस। ओरल कीमोथेरेपी भी होती है, टारगेटेड थेरेपी भी आजकल होती है, और आजकल एक और थेरेपी है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मतलब हम इंजेक्शन लगाते हैं, हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो जाकर कैंसर को मारें। तो आजकल ये इम्यूनोथेरेपी भी हम यूज़ कर रहे हैं। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये सारी यूज़ करते हैं। और सर्जरी, हम सिर्फ लंप निकालते हैं, हम पूरी ब्रेस्ट नहीं निकालते आजकल अर्ली स्टेजेस में। तो ऑर्गन भी प्रिजर्व रहता है उसमें, ये भी नहीं है कि आप लूज़ करते हो, पूरी ब्रेस्ट रिमूव करते हो, तो उसमें जल्दी स्टेजेस में पकड़ा जाता है। डॉक्टर गुप्ता, तो बाकी कैंसर जैसे सर्विक्स का कैंसर है। डॉक्टर गुप्ता, मैं एक सवाल आपसे ये भी समझना चाहूंगी। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।